आज हम सरवाइव करेंगे 100 डेज ऑन माइनक्राफ्ट हार्डकोर, जहाँ पे डिफ़िकल्टी पहले से ही हार्ड पे सेट होती है। जैसे कि माइनक्राफ्ट का एक दिन हमारे यहाँ का 20 मिनट होता है, उस दौरान मेरे को सर्वाइव करना है 100 डे, तो मेरे को टाइम लगेगा 33 आवर्स का। क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे पता नहीं, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो शुरुआत होती है हमारी पहले दिन पेड़ काटने से। फिर मैं कुछ प्लैंक बनाता हूँ और फिर स्टिक और फिर आखिरी में अपना मेन चीज़ क्राफ्टिंग टेबल और फिर अपने बेसिक से टूल बना लेता हूँ। फिर कोल माइन करने स्टार्ट कर देता हूँ। फिर थोड़े बहुत कोबलस्टोन माइन कर लेता हूँ मैं। कोबलस्टोन माइन करने के बाद मैं ऊपर आके अपनी सारी सैपलिंग इकट्ठा करने लगता हूँ। अपने टूल थोड़ा अपग्रेड कर लेता हूँ फिर, और मेरे पास में ही थोड़ा आयन दिखता है तो मैं आयन इकट्ठा करने स्टार्ट कर देता हूँ। फिर मैं ऊपर आके थोड़ी बहुत ग्रास छोड़ता हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ी बहुत सीड चाहिए होते। सीड देने के बाद मैं थोड़ा नीचे गड्ढा करना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि बाहर रात हो रही होती है और रात में बाहर निकलना मुश्किल है। फिर फर्नेस बना लेता हूँ ताकि अपना आयन स्मेल कर सको। फिर मैं अपना आयन को स्मेल करने डाल देता हूँ और फिर मैं माइनिंग पे चला जाता हूँ। और माइनिंग करने के आने के बाद फिर अपना आयन स्मेल हो चुका होता है। फिर मैं आयन के टूल बना लेता हूँ और फिर एक सीट बना लेता हूँ और बाहर आ जाता हूँ लड़ने के लिए। फिर मैं बाहर आकर स्केलेटन को मारता हूँ, फिर सारी सेपलिंग लगाना स्टार्ट कर देता हूँ, वो बनाता हूँ और फिर मैं अपनी खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर देता हूँ। स्केलेटन को मार के जो मेरे को हड्डी मिली थी उसका बोन भी बना लेता हूँ मैं। और फिर मैं पानी में जाकर बहुत सारी मछलियाँ मारना स्टार्ट कर देता हूँ। और बाहर आता हूँ तो बाहर सुबह हो गई होती है, बारिश स्टार्ट होती है। फिर मैं पानी में जाके फिर से मछलियाँ मारना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर मैं कुछ टूल को अपग्रेड करता और फिर मैं एक बोट बना लेता हूँ और चले जाता हूँ एक्सप्लोर करने के लिए। डे 2 से लेकर डे 5 तक मैं एक्सप्लोर करता हूँ और फिर मेरे को एक शिप रैक दिखती है तो उसको मैं लूटने चला जाता हूँ। उसमें से मेरे को एक बड़ी ट्रेजर मैप मिलता है, बहुत सारा कोर वीट और कुछ लेदर का आर्मर मिलता है मेरे को। लेदर का आर्मर पहन के मैं फिर आगे चला जाता और एक्सप्लोर करने के लिए। एक छोटे से आइलैंड पे आ जाता हूँ मैं, जिधर शुगर कैन होता है, और मैं उसको तोड़ लेता हूँ क्योंकि मेरे आगे जाके काम आएगा वो शुगर कैन। और फिर मैं और आगे चले जाता हूँ। फिर मेरे को एक और शिप रैक दिखती है, फिर मैं उसको लूटने के लिए चला जाता। उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा आयरन मिलता है। फिर मैं डे 5 को अपने आइलैंड पे आ जाता हूँ और फिर मैं एक बढ़िया सी चेस्ट प्लेट बना लेता हूँ आयन की। जहाँ मेरी केव होती है मैंने उधर एक चेस्ट रखी थी जिसमें बहुत सारा आयन बचा हुआ था, तो उसको लेके मैं एक बढ़िया सा आयन का हेलमेट बना लेता हूँ। फिर मैं थोड़ी बहुत माइनिंग करने चला जाता हूँ और मेरे को बहुत सारा आयन मिलता है।
केव से बाहर आकर मैं फिर थोड़े बहुत पेड़ को बोन मिल करता हूँ और काट लेता हूँ उसको मैं। और थोड़ा बहुत आयरन को स्मेल्ट करने के बाद मैं फिर चले जाता हूँ एक्सप्लोर करने के लिए। और डे 6 से लेके और डे 8 तक मैं एक्सप्लोर करता हूँ। और मेरे को एक रून बॉटल दिखता है और मैं उसको लूटता हूँ बहुत। 19 मेरे को गोल्डन इंगट मिलते हैं और एक ऑब्सिडियन और एक फ्लिंट एंड स्टील और थोड़े बहुत मैं गोल्ड के ब्लॉक माइन कर लेता हूँ। आइलैंड पे आने के बाद मैं थोड़ी बहुत शिप मारता हूँ ताकि मैं एक बेड बना सकूँ। फिर मैं अपने ट्रेजर को ढूंढने लगता हूँ। फिर मैं उसके परफेक्ट एज पे खड़े रह के उधर माइन करना स्टार्ट कर देता हूँ मैं। मेरे को फिर बहुत सारे डायमंड, बहुत सारे एमराल्ड, बहुत सारे आयरन गोल्ड मिलते हैं। और फिर मैं उस मैप को फेंक देता और फिर मैं निकल लेता हूँ अपने आइलैंड के लिए। और डे 8 से लेकर डे 10 तक अपने आइलैंड तक पहुँच जाता हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत दूर आ गया था। डे 10 को मैं अपने आइलैंड पे वापस आ जाता हूँ। वापस आने के बाद मैं थोड़ी फसलें काटता हूँ, थोड़े बहुत शुगर केन। फिर अपने आम सामान को स्लॉट कर देता हूँ, आयरन का आर्मर बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर मैं एक बढ़िया सी डायमंड की पिकेक्स बना लेता हूँ और फिर मैं अपने आयरन का आर्मर को देखता हूँ। पता नहीं क्यों बीच में मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। कोई बात नहीं, तब मैं माइनिंग पे गया ताकि घर बनाने के लिए अच्छे ब्लॉक लेके आओ। अब आगे डे 15 को मैं केव से बाहर आ जाता हूँ और बहुत सारे चुंबियों को मारता हूँ। फिर मैं थोड़ी बहुत फसल काट लेता हूँ। फिर थोड़े बहुत पेड़ काट लेता हूँ मैं। घर बनाने के लिए मैं अपने सारे सामान को स्लॉट करता हूँ और थोड़े बहुत आयरन के स्टूल बना लेता हूँ। फिर मैं अपने घर के एरिया के लिए प्लेट करना स्टार्ट कर देता हूँ। डे 15 से लेके डे 18 तक घर पे काम करता हूँ मैं। डे 18 को मेरा घर बन के रेडी हो जाता है। फिर मैं एक्सपी फार्म पे काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। तब तक आप टाइम लैप देखिए। Thank you.
चलो इतना काम हो गया। अभी मेरे को बनाने थे ट्रैप डोर्स, तो मैं फार्म पे आके वो सारे ट्रैप डोर बना लेता हूँ। डे 22 को हमारा काम ख़त्म होता है, तो हम काम ख़त्म करके फिर सोने चले जाते हैं। और सो के आते थोड़े बहुत स्पाइडर मिले होते मेरे को, तो मैं स्पाइडर को मार लेता हूँ। और फिर मैं जोम्बी होते जोम्बी को मारता हूँ जो हमारे फॉर्म में आए होते, उनके मार को मैं थोड़ा चेक कर देता हूँ क्या मिला है। तो मैं पहले हमारा पोटेटो मिला है, तो पोटेटो उठा के मैं थोड़ा फसल को काटने लगता हूँ। निकल देता हूँ और मैं अपना सारे फार्म को हटा देता हूँ। फिर मेरे को नया फार्म बनाना होता है, कोबल डीप स्लेट को स्मेल्ट करने डाल देता हूँ ताकि मेरे को एक डीप स्लेट मिले, क्योंकि मेरे को अच्छे लगते हैं डिजाइन में। फिर अपना फार्म पे काम करना स्टार्ट कर देता हूँ मैं। काम करते करते मेरे को वहाँ से ही दिखते, तो उनको मारने जाता हूँ मैं। वो मेरे को मार तो नहीं पाते पर खुद ही मर जाते हैं। तो फिर डे 24 को मैं सो के उठता हूँ और अपनी थोड़ी स्टेयर बना लेता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी रहती है। बढ़िया में एक नई हो बना के लाता हूँ और फिर अपने सारे फसल को लगाना स्टार्ट कर देता हूँ मैं। अरे वो तो शुगर कैन लगा देता हूँ। डे 24 से लेके डे 25 तक मैं थोड़ी मछलियाँ मारता हूँ। तो घर पे आके मैं थोड़ी मछलियों को पकाना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर ऐसे ही करके हमारा डे 25 का भी डे ख़त्म होता है। गाइस बस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो में और लाऊं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए गुड बाय।